पकड़ने का अधिकार किसने दिया ये? आप पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? मीडिया के सामने भी आप बताओ ना, आपके बात को मीडिया के सामने रखने से भी आप रोकने का काम करेंगे? ये मीडिया 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 ने बुलाया दिल्ली में विजय चौक के लॉन में मीडिया से बात कर रहे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पुलिस ने रोक दिया। दीपेंद्र किसानों के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तभी पुलिस ने दीपेंद्र की मीडिया से बातचीत को बीच में ही रुकवा दिया। इस दौरान उनके साथ प्रताप सिंह बाजवा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। वहीं सांसदों ने जब इस पर आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मी बार बार कहते रहे कि हायर अथॉरिटी को जानकारी देने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और दीपेंद्र हुड्डा में जमकर बहस हुई। जरा आप भी देखिए वीडियो। अधिकार किसने दिया ये? हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसके बाद पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? हम मीडिया के सामने भी अपनी बात बताओ ना, आपके किसान की बात को मीडिया के सामने रखने से भी आप रोकने का काम करेंगे? ये मीडिया लोज है। नहीं नहीं, मीडिया 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 ने बुलाया है। आप दे रहे हैं लेकिन आप हमारी हायर अथॉरिटी को आप बताओ, कौन सी हायर अथॉरिटी? यू कांट स्टॉप अस, इसे हायर अथॉरिटी भी कह रहा है, हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली वी आर डूइंग अ प्रिविलेज, पुलिस इंटरफेयर कर रही पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर कर रही है। हायर अथॉरिटी शुड नो, इज दिस अ पुलिस स्टेट? उसका मतलब कौन सी हायर अथॉरिटी बता दी? कौन सी हायर अथॉरिटी है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। कौन सी हायर अथॉरिटी है जिसको ये पता चलना चाहिए कि किसान की बात क्या है? आप पार्लियामेंट दे रहे हैं धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से तो फिर आपका क्या हक है? हम बात कर रहे हैं किसानों की, बीच में आपने कैसे रोका हमें? इन्फॉर्मेशन हाई अथॉरिटी को क्या हमारी सीआईडी लग रही है? ये विजय चौक का देश का गौरव है। कौन से यकीन में कोई हायर अथॉरिटी को क्या हमारे निगरानी रखी जाएगी? नया मार्शल लॉ लगा दिया जी, इस प्रकार का पाकिस्तान जैसा हाल इधर कर रहे हैं। ये हमारा नाम लिख रहे हैं। बता दें कि सांसदों ने दिल्ली पुलिस के इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों की आवाज को न संसद और न ही मीडिया के सामने उठाने देना चाहती है। यही नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे द्वारा दिया गया प्रस्ताव लगातार तीसरे दिन भी खारिज कर दिया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, उसी प्रकार मीडिया पर भी नकेल कसना चाहती है, जिसका ताजा उदाहरण दैनिक भास्कर समूह और भारत समाचार संस्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।